Divide 4-digit number by 2-digit number. इस वीडियो में हम 4-digit number को 2-digit number से divide करना सीखेंगे. तो इसको समझने के लिए हम एक मिसाल लेते हैं. हमारे पास number है 4920. इसको हमने divide करना है. ये divide करने का निशान है. हमने divide करना है 12 से. 4920 एक 4-digit नंबर है. इसमें 4 डिजिट्स हैं, 4, 9, 2 और 0. और 12 एक 2-digit नंबर है. इसमें 2 डिजिट्स हैं, 1 और 2. अब हम देखते हैं कि इन दोनों नंबर्स को किस तरह से हम डिवाइड करेंगे. जब हम नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो ये जो पहला नंबर होता है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है, इसे हम कहते हैं डिविडेंड. इस नंबर को हमने डिवाइड करना है, तो ये है डिविडेंड. और ये जो नंबर है जो डिविडेंड को डिवाइड करेगा, उसे हम कहते हैं डिवाइजर. और इन दोनों को डिवाइड करने के बाद जो भी यहाँ पर जवाब आता है, उस जवाब को हम कहते हैं कोशेंट. तो ये हमारे पास डिवीजन में ये तीन चीज़ें होती हैं, ये डिविडेंड, डिवाइजर और कोशेंट. अब इन्हें हम डिवाइड करना शुरू करते हैं. तो डिवाइड करने के लिए जब हम डिवीजन का प्रोसेस शुरू करते हैं, तो हम इस तरह का पहले निशान इस्तेमाल करते हैं. ये डिवीजन के लिए इस्तेमाल होता है. इसके अंदर हम रखते हैं डिविडेंड को. डिविडेंड कौन सा है? 4920. और इसके बाहर हम रखेंगे डिवाइजर को, जो कि है 12. डिवाइजर ने डिविडेंड को डिवाइड करना है और जवाब में आ जाएगा कोशेंट. तो अब हम क्या करेंगे? डिविडेंड को हमने लेफ्ट साइड से देखना शुरू करना है, इस तरफ से. तो यहाँ पर है 4 और 9 और 2 और 0. बाहर अगर देखें तो डिवाइजर में 2 डिजिट्स हैं. तो हमने डिविडेंड को भी मिनिमम 2 डिजिट से डिवाइड करना शुरू करना है. इस बात का मतलब ये है कि हम 4 और 9 को पहले 12 से डिवाइड करेंगे और 2 और 0 को इग्नोर कर देंगे. क्योंकि डिवाइजर में 2 डिजिट्स हैं, तो डिविडेंड के भी लेफ्ट साइड से पहले 2 डिजिट्स को हमने डिवाइड करना है. तो अब 12 के टेबल में देखते हैं कि क्या 49 आता है. 49 को 12 से डिवाइड कर रहे हैं. तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1, 12 वन ज़ार 12, 12 टू ज़ार 24, 12 थ्री ज़ार 36 और 12 फोर ज़ार 48, 12 फाइव ज़ार 60. तो अब अगर देखा जाए तो यहाँ पर 49 जो है वो 48 और 60 के दरमियान में आता है. तो यहाँ से हमें ये पता चला कि 49 12 के टेबल में नहीं आता. और हमने कौन सा नंबर यहाँ से लेना है? हमने 49 से छोटे नंबर वाला डिजिट लेना है, यानी 12 फोर ज़ार 48. तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12 और यहाँ पर आ जाएगा 4. 12 को क्योंकि हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 12 फोर ज़ार 48 इसके नीचे लिखेंगे. हमने 60 क्यों नहीं लिया? क्योंकि हम 60 को 49 में से माइनस नहीं कर सकते. यहाँ पर हमने 49 में से 48 को माइनस किया करना है. अभी तक हमने 20 को इग्नोर किया हुआ है. हम सिर्फ 49 को 12 से डिवाइड कर रहे हैं. अब 49 में से आपने माइनस करना है 48 को. तो 9 माइनस 8 1 आ जाएगा और 4 माइनस 4 0 आ जाएगा, जो कि लिखना यहाँ पर ज़रूरी नहीं है. अब हमने अगला स्टेप करना है. अगले स्टेप में हमने क्या करना है? हमने ये जो अगला डिजिट है, अब इसको नीचे लेकर आना है. तो ये 2 नीचे आकर 1 के साथ मिलकर 12 बन जाएगा. तो हमने पहले क्या किया था? पहले ये 2 डिजिट्स लेकर 12 से डिवाइड किया, उनका जो जवाब आया, फिर उसके साथ हमने अगला डिजिट नीचे उतारा. अब हम इसी तरह से ये करते जाएंगे और एक एक करके डिजिट्स को नीचे लाकर डिवाइड करते जाएंगे. अब यहाँ पर 12 है, तो अब देखते हैं कि 12 के टेबल में 12 कब आता है. 12 वन ज़ार 12, तो 12 वन ज़ार 12, हमें ये नंबर इसी तरह से 12 के टेबल में मिल गया. अब क्या करना है? उसी तरह फिर 12 में से 12 को माइनस करें. माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0. और अब हमने अगला डिजिट नीचे लेकर आना है. तो आपने देखा कि हम एक एक करके डिजिट्स को नीचे ला रहे हैं. हर स्टेप के बाद एक डिजिट नीचे आएगा. अब ये 0 जब नीचे आ जाएगा तो ये भी बन जाएगा 0. और जब 12 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 0 ज़ार 0.
क्योंकि जीरो को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करने से जीरो ही आता है, तो अब हमारे पास जीरो माइनस जीरो क्या आ जाएगा, ये जीरो ही आ जाएगा। और ये आखिर में हमारे पास जो नंबर बचता है इसे हम कहते हैं रिमाइंडर। और जब रिमाइंडर जीरो हो जाए तो इसका मतलब होता है कि हमारी डिवीजन कंप्लीट हो गई। डिवीजन कंप्लीट होने के बाद ये जो ऊपर नंबर लिखा होता है, जैसे यहाँ पर 410 है, इसे हम कहते हैं कोशेंट, और यही हमारा आंसर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 410। तो ये जो नंबर होता है ये होता है कोशेंट और ये हमारा आंसर है। तो जब 4920 को हमने डिवाइड किया 12 से तो जवाब आया 410। तो इस तरह से हम एक 4 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से डिवाइड करते हैं। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हमारे पास है 1118 डिवाइडेड बाय 13। अब हमारे पास डिविडेंड क्या है, 1118 डिविडेंड है, यानी जो डिवीजन के साइन से पहले वाला नंबर होता है उसे हम कहते हैं डिविडेंड। और डिवीजन के साइन के बाद वाला जो नंबर है, ये जो नंबर है जो डिविडेंड को डिवाइड करेगा, इसे हम कहेंगे डिवाइजर। तो 13 यहाँ पर डिवाइजर है, और इन्हें डिवाइड करने के बाद जो जवाब आता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कोशेंट। तो अब इन नंबर्स को हम डिवाइड करना शुरू करते हैं। उसी तरह पहले हम ये डिवीजन का निशान लगाएंगे, इसके अंदर लिखेंगे 1118 और बाहर लिखेंगे डिवाइजर को जो कि है 13। तो हम किस तरह से डिवाइड करते हैं, हम डिविडेंड को लेफ्ट साइड से देखना शुरू करते हैं, और बाहर वाले नंबर के 2 डिजिट्स हैं तो अंदर वाले नंबर के भी लेफ्ट साइड से पहले 2 डिजिट्स को लेकर हमने डिवाइड करना होता है। लेकिन अगर हम देखें तो ये बनता है 11। तो 11 13 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, 13 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे। 13 0s are 0। 13 को जब 0 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 11 माइनस 0 क्या आ जाएगा, नीचे 11 ही आ जाएगा। तो हमने क्या किया, 2 डिजिट्स को जब, यानी 11 को 13 से डिवाइड किया, तो 11 13 से छोटा था, 13 के टेबल में नहीं आता, तो हम क्या करेंगे, 13 0s are 0 और फिर 11 को नीचे ले आएंगे, यानी 11 माइनस 0 11 आ गया। अब अगला स्टेप क्या होता है कि हम इन 2 डिजिट्स के बाद अगला डिजिट नीचे लेकर आते हैं, तो ये बन जाएगा 111। अब 111 को हम देखते हैं कि ये 13 के टेबल में कब आता है। अब यहाँ पर हम 13 का टेबल काउंट करना शुरू करते हैं। 13 1s are 13, 13 2s are 26, 13 3s are 39, 13 4s are 52, 13 5s are 65, 13 6s are 78, 13 7s are 91, 13 8s are 104, 13 9s are 117। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर 104 और 117 के दरमियान में आता है 111। तो हमने कौन सा लेना है, हमने 111 से छोटे नंबर वाला डिजिट लेना है, यानी 13 8s are 104। अब हम क्या करेंगे, 111 में से माइनस करेंगे 104 को। इसको माइनस करने से क्या आ जाएगा, 1 माइनस 4 करेंगे तो 1 माइनस 4 नहीं हो सकता, फिर हम ये वाला 1 यहाँ पर बोरो लेंगे तो 11 माइनस 4 आ जाएगा 7, और 1 माइनस 1 0। तो अब हमने क्या करना है अगले स्टेप में, अब 8 को नीचे लेकर आना है, तो ये बन जाएगा 78। अब 78 को हमने डिवाइड करना है 13 से, तो 78 क्या 13 के टेबल में आता है, यहाँ पर आता है, 13 6s are 78। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 13 6s are 78। और अब क्या करना है, 78 में से माइनस करना है 78 को, जो कि आ जाएगा 0 के बराबर। और 0 क्या है, 0 रिमाइंडर है। तो जब 0 रिमाइंडर आ जाता है तो हमारी डिवीजन कंप्लीट हो जाती है, और हमारा ये जो क्वेश्चन होता है ये हमारा आंसर होता है। हमारा आंसर क्या आया, 86।
इसके लेफ्ट साइड पर जो जीरो है वो लिखना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जब हम 1118 को डिवाइड करते हैं 13 से तो जवाब आता है 86। आज हमने देखा कि 4 डिजिट नंबर को 2 डिजिट नंबर से कैसे डिवाइड करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन। इस वीडियो में हम डिवीजन से रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रॉब्लम है, देयर आर 65 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। इफ दे आर डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल बी इन ईच ग्रुप। देयर आर 65 स्टूडेंट्स इन अ क्लास। एक क्लास में 65 स्टूडेंट्स हैं। इफ दे आर डिवाइडेड, अगर उन्हें डिवाइड किया जाए, तकसीम किया जाए 5 ग्रुप्स में, देन हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल बी इन ईच ग्रुप। तो हमने देखना है कि हर ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स होंगे। तो इसको हम इस तरह से लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इनको हमने डिवाइड करना है, ये डिवाइड का निशान है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ग्रुप्स, और ये बराबर होगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप। तो ये हमारा डिवीजन का फॉर्मूला होता है। पहले हम लिखते हैं टोटल नंबर को, जो कि यहाँ पर है 65। तो 65 को हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ग्रुप्स से। कितने ग्रुप्स हैं? 5 ग्रुप्स हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 65 डिवाइडेड बाय 5, और ये किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप। तो ये हमने फाइंड करना है कि हर ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स होंगे। तो ये हमारा प्रॉब्लम है, यानी टोटल 65 स्टूडेंट्स हैं एक क्लास में, और उन्हें जब 5 ग्रुप्स में हम तकसीम करेंगे तो हर ग्रुप में कितने स्टूडेंट्स होंगे, हमने ये देखना है। यानी अब हम यहाँ पर 65 को 5 से डिवाइड करेंगे। तो कैसे करते हैं? हम डिवीजन के लिए ये वाला निशान इस्तेमाल करेंगे। जब हम डिवीजन शुरू करते हैं तो हम इस तरह से ये नंबर, इस तरह से ये निशान रखते हैं। इसके अंदर आएगा 65, क्योंकि 65 क्या है? 65 डिविडेंड है। जिस नंबर को हमने डिवाइड करना होता है वो होता है डिविडेंड, और जो नंबर डिवाइड कर रहा होता है वो होता है डिवाइजर। तो 5 यहाँ पर डिवाइजर है, 5 ने 65 को डिवाइड करना है, और जो हमारा जवाब आता है उसे हम कहते हैं क्वोशेंट। तो अब इन्हें डिवाइड करना शुरू करते हैं। डिविडेंड को हमने अंदर रखा और डिवाइजर को बाहर रखा। तो अब डिवाइड कैसे करते हैं? जो डिविडेंड होता है उसको हम लेफ्ट साइड से देखना शुरू करते हैं। तो लेफ्ट साइड पे पहले है 6, इस 5 को इग्नोर कर देंगे और 6 को बाहर वाले 5 से डिवाइड करेंगे। तो अब देखते हैं कि 5 की टेबल में क्या 6 आता है या नहीं। तो 5 का टेबल देखते हैं, 5 वन ज़ार 5, 5 टू ज़ार 10। अगर हम देखें तो 6 इस 5 और 10 के दरमियान में आता है। तो अगर 6 5 की टेबल में नहीं आ रहा तो हमने 6 से छोटे वाले नंबर का डिजिट उठाना है, यानी 5 वन ज़र 5, क्योंकि बड़े वाला हम नहीं उठा सकते। 5 वन ज़र 5, छोटा नंबर उठाने से ये होगा कि जब हम 6 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम 10 रखते तो 10 6 में से माइनस नहीं हो सकता। तो 6 माइनस 5 क्या आ जाएगा? 1। और अब हमने अगले नंबर को, अगले डिजिट को नीचे लेकर आना है। तो ये 5 नीचे आकर इस 1 के साथ मिलकर बन जाएगा 15। तो ऊपर वाले स्टेप में हमने एक डिजिट को डिवाइड किया है, अब हम 2 डिजिट्स को डिवाइड करेंगे, यानी 15 को डिवाइड करेंगे। तो अब 5 के टेबल में देखते हैं कि 15 कब आता है। तो हमने यहाँ पर लिखा था 5 वन ज़र 5, 5 टू ज़र 10, 5 थ्री ज़र 15। तो 5 थ्री ज़र 15 आ गया। तो अब 15 में से जब 15 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। और 0 क्या है? 0 है रिमाइंडर। और जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो डिवीजन कंप्लीट हो जाती है। कंप्लीट होने का मतलब ये है कि ये जो क्वोशेंट आया है ये हमारा जवाब है। इसका मतलब है कि 65 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो जवाब आएगा 13।
तो ये हमारा जवाब है। और 13 क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप। तो यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं, यहाँ पर नीचे जवाब लिखते हैं, देयर विल बी 13 स्टूडेंट्स इन ईच ग्रुप। तो उस क्लास में 65 स्टूडेंट्स थे, उन्हें हमने 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया, तो हर ग्रुप में 13 स्टूडेंट्स होंगे। तो इस तरह से हम डिवीजन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। इसी तरह एक और प्रॉब्लम देखते हैं। अगला प्रॉब्लम है, अली ब्रिंग्स 98 कैंडीज एंड डिवाइड देम इक्वली बिटवीन 7 फ्रेंड्स। हाउ मेनी कैंडीज विल ईच फ्रेंड गेट? अली ब्रिंग्स 98 कैंडीज, अली 98 कैंडीज लेकर आता है एंड डिवाइड देम, और उन्हें तकसीम करता है इक्वली बिटवीन 7 फ्रेंड्स, 7 फ्रेंड्स के दरमियान में बराबर तादाद में। हाउ मैनी कैंडीज विल ईच फ्रेंड गेट? तो हमने बताना है कि हर फ्रेंड के पास कितनी कैंडीज आएंगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ कैंडीज। टोटल कैंडीज कितनी है पहले हम ये देखेंगे, फिर टोटल कैंडीज को हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ग्रुप्स से। यहाँ पर ग्रुप्स क्या हैं? जो हमने 7 फ्रेंड्स में डिवाइड किया है, तो 7 ग्रुप्स होंगे, और ये बराबर होगा कैंडीज इन ईच ग्रुप। कैंडीज इन ईच ग्रुप यानी हर ग्रुप में कितनी कैंडीज रखी हैं। तो हम यहाँ पर नंबर्स लिखते हैं, टोटल कैंडीज हैं 98, और 98 को हमने तकसीम करना है 7 फ्रेंड्स में, 7 फ्रेंड्स में, और देखेंगे कि ये हर फ्रेंड के पास कितनी कैंडीज आती हैं। यानी हमने 98 को 7 से डिवाइड करना है, तो ये वाला निशान इस्तेमाल करेंगे, अंदर रखेंगे 98 और बाहर रखेंगे 7, क्योंकि 98 डिविडेंड है और 7 डिवाइज़र है, 7 98 को डिवाइड करेगा। तो डिविडेंड के लेफ्ट साइड से देखें तो पहला नंबर है 9 और अगला है 8, 8 को इग्नोर कर दें और 9 को 7 से डिवाइड करें, तो 7 वन ज़ार 7, 7 टू ज़ार 14, तो 9 14 और 7 के दरमियान में आ रहा है, तो हमने 9 से छोटे वाले नंबर का डिजिट उठाना है, यानी 7 वन ज़ार 7। हम 14 नहीं रख सकते क्योंकि जब हम माइनस करेंगे तो ये माइनस नहीं हो सकेगा, तो जब छोटा नंबर रखा है तो 9 में से 7 माइनस हो जाएगा, 9 माइनस 7 क्या आ जाएगा? 2। और अब अगला स्टेप है कि अगले डिजिट को नीचे लेकर आना है, तो 8 को नीचे लेकर आएंगे तो ये 2 के साथ मिलके बन जाएगा 28। और अब हमने इस स्टेप में दोनों डिजिट्स को 7 से डिवाइड करना है, तो 7 का टेबल ही देखते हैं, 7 टू ज़र 14 था, 7 थ्री ज़र 21 और 7 फोर ज़र 28, तो 28 आ गया, 7 फोर ज़र 28। और अब इस स्टेप में हमने 28 में से 28 को माइनस करना है, तो ये दोनों एक जैसे हैं तो माइनस होकर जवाब आएगा 0। तो जब रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हमारी डिवीजन कंप्लीट हो जाती है। इसका मतलब है कि ये जो 14 है ये हमारा जवाब है, यानी हर स्टूडेंट के पास, उसके हर फ्रेंड के पास, सॉरी, कितनी कैंडीज जाएंगी? 14 कैंडीज। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ईच फ्रेंड विल गेट 14 कैंडीज। अगर 98 कैंडीज हों और उन्हें 7 फ्रेंड्स में डिवाइड किया जाए तो हर फ्रेंड 14 कैंडीज लेगा। इस तरह से हम डिवीजन से रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं।